दोस्तों आज मैं बहुत खुश हूँ कि मनोज ने भाई अपने चैनल पर पधारे थे कल। दोस्तों आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। आज की वीडियो में आपको थोड़ी बहुत अच्छी सी नॉलेज मिलने वाली है, तो बिना किसी बकवास के दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ हेमंत कश्यप, आपका स्वागत करता हूँ अपने हेमंत कश्यप चैनल पे। तो छोटू भाई इंट्रो लगाओ यार। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक चैनल का गिफ्ट किया था, यानी कि गिव अवे किया था। तो सबसे पहले तो धन्यवाद, क्योंकि मैंने उस वीडियो पे 200 लाइक का टारगेट रखा था और उस पे 300 लाइक होने जा रहे हैं और व्यू भी अच्छे खासे आए। तो थैंक यू यार इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। और उसी वीडियो पर भाई मनोज दे की कमेंट आई थी, जिसे देख कर भाई एकदम मुस्कुराहट में बदल गई मेरी ज़िंदगी। यहाँ पे तो दोस्तों वैसे हमारे पास कई यूट्यूबर की कमेंट आई है, जैसा कि मैंने वीडियो बनाई है काफ़ी सारी, जैसे टेक्निकल इसरार जी हो गए, टेक्निकल योगी जी हो गए, ओरिजिनल बंदे की, ठीक है। उसके बाद कैरी मनाटी भाई की आई, अमित वड़ाना की आई, बीबी गिवंस की आई, ये थोड़े फर्जी बंदे निकले। अब आई है मनोज दे की, और इनका चैनल देखने में एकदम रियल लग रहा है और शायद ये रियल ही है, तो हम पता करते हैं फिर कैसी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जैसे ही कमेंट को देखा, कमेंट मनोज दे की ये थी कि टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं, ठीक है। इतनी सी कमेंट थी और लाइक आ गए थे उस पर 12 लाइक आए थे कमेंट पर। अब आपके मन में ख्याल होगा कि सवाल था टिकटॉक बैन होना चाहिए, इस चक्कर में लाइक आए। नहीं नहीं नहीं, लाइक आए भाई मनोज दे की शकल पे। जी हाँ दोस्तों, मनोज दे का फोटो लगा था, मनोज दे का नाम, यानी कि बिल्कुल मनोज दे का चैनल लग रहा था, बिल्कुल ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो इसके चक्कर में भाई लाइक आए थे, क्योंकि वहाँ पर सभी लोग कह रहे थे नहीं मनोज भैया। और ये भाई मैं वीडियो वैसे मैं बना नहीं रहा था, लेकिन वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कई कई वीडियो में देखा है बड़े बड़े यूट्यूबर वैसे तो हर बार आते हैं और ये चलता रहेगा, ठीक है। जैसे आशीष चंचलानी का डुप्लीकेट हो गया, बीबी की वांस का डुप्लीकेट हो गया, तो उसी तरीके से भाई एक बंदे की वीडियो में ना कैरी मनाटी ने कमेंट किया था, ठीक है, कैरी मनाटी। तो वहाँ पे भाई कैरी मनाटी की कमेंट पर काफ़ी ज़्यादा लाइक हो गए थे, ठीक है। एक बंदे ने रोस्ट किया था तो उसकी वीडियो पे कमेंट आई थी, वहाँ पे धीरे धीरे बंदे कहने लग गए कि ये तो फर्जी है, और दूसरा बंदा कहता है ओए रियल है। अब मतलब आपस में लड़ाई होने लगी कि ये फर्जी है ये रियल है, फर्जी है ये रियल है, और धीरे धीरे भाई गालियों पर बात आ गई, और धीरे धीरे भाई वो वहाँ पर गालियाँ फेंकने लगे कि अब मैं गालियाँ तो सुनाऊँगा नहीं, पर मैं बता रहा हूँ गालियों में फिर वो कहने लगे अबे हट तेरी ऐसी की तैसी मारूँ, ये ओरिजिनल है, वो कह रहा है अबे नहीं फर्जी है। तो ऐसे तरीके से लड़ाई चलती रही। तो इस चक्कर में मैंने भाई वीडियो बनाने की सोची कि आपको सच्चाई पता लगे हमारी, जब YouTube की जानकारी दे रहे हैं तो आपको ये भी जानकारी होना ज़रूरी है कि भाई कौन सा चैनल ओरिजिनल है कौन सा फेक है, कैसे पहचान है। और वैसे ओल्ड बंदे होते हैं वो तो पहचान जाते हैं, लेकिन जो न्यू यूट्यूबर हैं वो पहचानने में थोड़ी गलती कर देते हैं, तो वही चीज़ हम बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही दोस्तों मैंने चैनल पे जाके देखा मनोज दे भाई का, ठीक है, हम अपने मनोज दे भाई की बात कर लें, तो मैंने इनके चैनल पे जाके देखा, इनके चैनल पे वीडियो डली हुई थी, ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। वीडियो पर व्यू एकदम मज़ेदार थे, जिसे देखकर लग रहा था कंप्लीट ओरिजिनल चैनल है। क्या ये ओरिजिनल है कमेंट करें अभी 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 बताएं जल्दी, ठीक है, मैं बता दूँ उसके बाद नहीं। तो यहाँ पे फिर बंदे का चैनल भाई ओरिजिनल लग रहा था एकदम, तो कमेंट भी भाई यही सोच रहे होंगे बंदे, हाँ भाई ओरिजिनल ही है, मनोज दे भैया ने यार आज तो कमेंट कर दिया, मज़े आ गए, मुझे भी भाई मज़े आ गए, तो थैंक यू मनोज भैया यार कमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने वीडियो सेक्शन में जाके देखा, पर वीडियो सेक्शन में एक भी वीडियो नहीं। ये मैंने इसलिए नहीं देखा कि मुझे खुद पता नहीं चल रहा था ओरिजिनल है कि फेक, ये मैंने आपके लिए देखा, आपको प्रूफ दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शायद स्क्रीन रिकॉर्ड दिखा रहा हूँगा बगल में, या स्क्रीनशॉट्स तो देखते रहना। तो यहाँ पे वीडियो सेक्शन में कुछ नहीं था, फिर प्लेलिस्ट में जाके देखा, प्लेलिस्ट में सब कुछ था। प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, एक अपलोड्स के नाम से, एक पॉपुलर अपलोड्स के नाम से, ठीक है। उसके बाद अबाउट सेक्शन में जाके देखा, कुछ भी नहीं है, कद्दू भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, और प्लेलिस्ट ही होम स्क्रीन पर ला के रख दी हैं, होम स्क्रीन लेआउट पर ला के रख दी हैं, ठीक है। मतलब इसमें होता क्या मैं बता दूं, पहली बात मनोज दे का चैनल है वेरीफाइड, ठीक है। वेरीफाई से मेरा मतलब है जब किसी के 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वेरीफाई का मार्क मिल जाता है, ठीक है, अब तो शायद कम पे मिल जाता है। तो क्या होता है, अगर मनोज दे भाई कमेंट करेंगे तो मनोज दे के नाम के आगे ऐसा टिक लगा होगा, ठीक है, टिक। और अब क्या करते हैं कई लोग, तो भाई टिक का सिंबल बना लेते हैं जिससे कि लगे हाँ वेरीफाई है, ठीक है। बहुत मतलब फर्जीवाड़ा जो करना चाहे वो आराम से कर सकता है, बस
जो ओरिजिनल बंदा है, मतलब आप वो तो अगर आप पहचानना चाहो ये फर्जीवाड़ा है, तो बस थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना, आराम से पहचान जाओगे। क्योंकि अब वेरीफाई का भी भाई मार्क सिंबल बना लेते हैं अपने नाम के आगे, सिंबल लगा लेंगे, ठीक है। बहुत सारे दिमाग हैं लोगों में आगे। उसके बाद मैंने देखा कि भाई के सब्सक्राइबर हाइड हैं, ठीक है। मनोज देखा ओरिजिनल चैनल है, उस पर सब्सक्राइबर हाइड नहीं है, 9 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है और 1 मिलियन होने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी 1 मिलियन हो जाएंगे, उम्मीद है इस महीने या अगले महीने तक 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे सब्सक्राइबर्स हुए, लेकिन इस भाई के ऐड हैं। पता है ऐड क्यों है? क्योंकि आप जब इसके चैनल पे जाओ, यानी कि मनोज दे के चैनल पे आप जाओगे, सब्सक्राइबर ऐड है, तो आपको लगेगा सब्सक्राइबर शायद ऐड कर लिया हो, लेकिन वीडियो मनोज दे की रखी हुई है, तो वीडियो में आपको लगेगा हाँ भाई व्यू तो मज़ेदार है, मनोज दे का ही चैनल, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दोगे। ये सब्सक्राइब बढ़ाने की निंजा टेक्निक है कहने को, तो ठीक है, इससे उनके सब्सक्राइब बढ़ते हैं, इसलिए वो ये सब करते हैं। क्योंकि इनकी कमेंट, जब भी ये किसी की वीडियो में कमेंट करते हैं तो लाइक ज़्यादा आते हैं, और लाइक ज़्यादा आते हैं तो फिर इनके चैनल पे भी लोग जाके देखते हैं और फिर सब्सक्राइब भी मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इनका काम चलता है। तो ये मनोज देता वो बिल्कुल फर्जी वाला मनोज देता, ठीक है, ओरिजिनल नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम तब भी खुश हैं क्योंकि कम से कम फर्जी वाला मनोज दे तो आया, कुछ दिन बाद ओरिजिनल मनोज दे भी आएगा, कोई बात नहीं है। बस आप सभी के प्यार एंड सपोर्ट की ज़रूरत है, जरूर बताए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो हेमंत कश्यप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और घंटा भी याद हो, क्योंकि भाई हमको इस संडे तक 7K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो भाई कराना यार जल्दी से कर दो, हंसी मजाक की बात नहीं है। तब तक के लिए चलते भाई, जय हिंद जय भारत।